फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का V17 प्रो और ओप्पो का रेनो 2Z। तो फ्रेंड्स, लुक वाइज आप चेक कर सकते हो दोनों के, ठीक है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप ये फोन चला के देखना चाहते हो कुरुक्षेत्र में, लोकल मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, बालाजी कम्युनिकेशन आके चला सकते हो, जो कि सेक्टर 17 में। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करें जल्दी जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट कंपेरिजन किसके साथ करो मुझे जरूर बताना। फ्रेंड्स, वीडियो ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे राइट हैंड में है वीवो का V17 प्रो, और लेफ्ट मेरे हैंड में है मेरे पास ओप्पो का रेनो 2Z, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन दोनों में सेम है, सेम सेटिंग है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अब बात करते हैं इनके रेट की और इसके सारा कुछ डिटेल की कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात की जाए, प्राइस दोनों का सेम है। उसके बाद अगर लुक की बात की जाए, डिस्प्ले की बात की जाए, सारे ओवरऑल बात की जाए, तो आपको क्या क्या फ़र्क मिलता है मैं वो साथ के साथ ही बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। अगर वीवो के बात की जाए तो वीवो की आपको डिस्प्ले मिलने वाली है 6.44 इंच, और ओप्पो की बात की जाए ओप्पो में आपको मिलने वाली है 6.5 इंच, जो कि फुली HD प्लस है। दोनों सेम डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, फुली HD प्लस है, ठीक है। ये एमोलेड है या सुपर एमोलेड है। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए डिस्प्ले के मामले में, साइज़ के मामले में, ओप्पो आगे विनर रहता है। फर्स्ट पॉइंट विनर को ओप्पो को मिलता है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बड़ी है, इसकी थोड़ी छोटी है। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट में जाया जाए तो फ्रंट कैमरे की बात की जाए, फ्रंट कैमरे में आपको इसमें पॉपअप कैमरा मिलता है, ठीक है। इसमें भी पॉपअप कैमरा सिंगल मिलेगा, इसमें आपको डबल पॉपअप कैमरा मिलेगा। तो इसमें वीवो विनर रहता है। तो अगर बात की जाए इनके कैमरों की, फ्रंट दोनों में कैमरे खोल के दिखा देता हूँ आपको। दोनों के कैमरे ओपन किए जाए, फ्रंट कैमरा निकाला जाए, पॉपअप कैमरा निकाला जाए, तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो कि जो वीवो में आपको कैमरा मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है 32+8 मेगापिक्सल। ये दोनों 32 और 8 मेगापिक्सल के कैमरा है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल मिलने वाला है। इसमें कैमरा में आपको साइड में फ्लैश मिल जाएगी, इसमें आपको मून लाइट मिलेगी, और साथ ही साथ स्पीकर भी ऊपर ही फ्लैश इसी में है, ठीक है, जब आप नीचे करते हो काम करता है। अगर उसके इसमें बात की जाए तो कैमरा के मामले में आपको वीवो आगे मिलेगा, ठीक है। प्राइस के मामले में दोनों सेम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके बैक कैमरों की। बैक कैमरा दोनों में आपको क्वाड मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों में मतलब कि 4-4 कैमरा मिलेंगे। अगर लुक वाइज आप चेक कर सकते हो कि कितने दोनों ऑसम लग रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा छोटा लग रहा है। अगर वेट के मामले में किया लगभग सेम ही है। इसका थोड़ा वेट मुझे थोड़ा सा मतलब कि 5 से 10 ग्राम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इक्वली आप अगर सिंगल हैंड अलग अलग पकड़ोगे तो सेम लगेंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा हैवी लग रहा है। उसके बाद अगर कैमरे की बात की जाए, बैक कैमरे में क्वाड मिलते हैं, दोनों में सेम है। और कैमरा बता देता हूँ, 48 मेगापिक्सल दोनों के सेम है। बल्कि पहला जो मेन कैमरा वो 48 मेगापिक्सल है, दूसरा वीवो में आपको 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल मिलता है। और इसमें आपको 8 2 2 कैमरा मिलेगा, मतलब कि 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, फिर 2 मेगापिक्सल। कैमरों के मामले में विनर रहा है वीवो, मतलब कि वीवो 2 बार विनर रह चुका है। और साथ में आपको फ्लैश लाइट इसमें सेंटर में मिलती है, इसमें आपको यहाँ मिलेगी। इसमें आपको ये जो नीचे देख रहे हो, इसमें कैमरा एक यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने चारों कैमरा एक लाइन में दे रखे, मतलब कि इन्होंने भी सेम ऐसे ही दे रखा है। और ऊपर जहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्की सी बोल दे रखी है, ताकि जो इसके कैमरों पर स्क्रैच ना पड़े। इसमें आपको कोई भी अलग से पट्टी नहीं मिल रही है, चेक कर सकते हो। इसमें आपको हल्की सी बाहर लेयर मिल रही है। और इसका बेनिफिट बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो, इसके बाद जो पट्टी होती है, इसकी वजह से कैमरा नीचे नहीं लगते। और इन्होंने ये बोल दे रखे, जिसकी वजह से कैमरे के आपके स्क्रैच बचेंगे। दोनों में आप सेम काम कर रखा है। अगर कैमरों के मामले में देखा जाए तो वीवो जीत रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके रैम और टनल मेमोरी की। रैम और टनल मेमोरी की बात की जाए तो टनल मेमोरी इसकी ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी कम है। रैम दोनों की सेम है, 8GB रैम है। अगर बात की जाए तो इसमें आप 2 नैनो सिम और एक साथ मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, मतलब कि 256GB इसकी इंटरनल मेमोरी है। उसके बावजूद भी आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। इसकी 128GB मेमोरी है, पर इसमें आप मेमोरी कार्ड या एक सिम डाल सकते हो, या फिर दोनों सिम डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं डलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, इसमें ओप्पो विनर रहा है, ओप्पो रेनो 2Z, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इनके प्रोसेसरों की, तो प्रोसेसर की बात की जाए तो इसका प्रोसेसर Snapdragon 675 है, और इसका P19 है। प्रोसेसर के मामले में दोनों आगे पता चलेगा कौन कैसा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। एप्लीकेशन दोनों में सेम है, आपको एंड तक पता चल जाएगा कौन सा बेटर कर रहा है काम, कौन सा कैसा कर रहा है, कौन विनर रहता है कितने कितने पॉइंटों में। अगर नीचे बात की जाए तो दोनों में टाइप सी मिलने वाला है।
इसमें सिम स्लॉट आपको नीचे मिलेगा और ऊपर बात की जाए तो इसमें आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है वीवो में, और नीचे आपको साथ में मेन माइक मिल जाता है। इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, साथ में टाइप सी चार्जर मिल जाता है और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। ऊपर आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा, नॉइज़ कैंसलिंग का एक मैक मिलेगा। अगर इसी तरह वीवो में देखा जाए नॉइज़ कैंसलिंग का मैक, साथ में आपको मिल जाता है 3.5 mm का जैक, और ऊपर दोनों में आप देख सकते हो कि आपको जो कैमरा मिल रहा है इसमें डबल मिल रहा है, इसमें सिंगल मिलेंगे। अगर बात की जाए बैक लेफ्ट साइड की, लेफ्ट में आपको इसमें मिलेगी सिम स्लॉट वॉल्यूम की रोकर की अप डाउन की बटन, ठीक है, और जो सिम स्लॉट है इसकी इस साइड डलेगी पावर लॉक के एकदम ऊपर। और इसी तरह अपोजिट जो वीवो की है इसमें आपको ये मिलता है एक्स्ट्रा बटन मिलता है जो कि गूगल असिस्टेंट का होता है। यहाँ यूवी भी लगा सकते हो आप, कुछ भी यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने प्लिक बटन दबाया तो यहाँ गूगल असिस्टेंट आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको जहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो इनके बैटरियों की, बैटरी के मामले में वीवो एक 4100 mAh की है, इसकी 4000 mAh की है। अगर बात की जाए तो 100 mAh बैटरी इसकी ज़्यादा है, तो ओबियसली ये विनर रहता है। और रैम के मामले में, इंटरनल मेमोरी के मामले में ये विनर है, ठीक है। तो चलो अब फ्रेंड्स लगभग कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में काफ़ी पॉइंट इसमें ज़्यादा है, तो वीवो को 10 पॉइंट मिलते हैं, इसको 9 पॉइंट मिलते हैं। प्राइस के हिसाब से दोनों सेम है। अब बात करते हैं इनके स्पीड टेस्ट की, प्रोसेसर के टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके तो तैयार हो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पीड एप्लीकेशन डेस्क टेस्ट, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सारी मैं ऑफलाइन करूँगा, ऑनलाइन नहीं करूँगा। फ्रेंड्स कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता जाऊँगा, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास मिलेगा, प्रोटेक्शन जो मिलेगा गोरिल्ला ग्लास। इसमें फ्रंट है 6 और बैक है 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इनका खुद का है, इन्होंने पहली बार प्रोटेक्शन कुछ मैं नाम भूल गया उसका क्या था, मैं भूल गया क्या है क्या नहीं। अब जब किसी का गिरेगा तो रिस्पॉन्स पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बतानी थी कि जो इसका चार्जर है वो हैगा बुक, मतलब कि बुक का क्या बेनिफिट होता है इसमें आपको, फास्ट चार्ज दोनों के है, इसका बुक चार्जर है। बुक चार्जर का बेनिफिट ये है कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो वो उतना ही फास्ट चार्जर करेगा जितना नॉर्मल करता है। जो फास्ट चार्जर होता है जैसे कि इसमें बुक नहीं है तो क्या होगा कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो चार्जर की स्पीड स्लो हो जाती है, अगर आप रख लेते हो तो चार्जर होता है ज़्यादा तेज, बस यही फ़र्क रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेट बंद है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ये नेट बंद है ये चेक कर सकते हो। और सेम इसी में भी दिखा देता हूँ, इसमें भी बंद है, वाईफाई नेट नोट सारा बंद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैंने कुछ कंपेरिजन हो गया, स्पीड टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट के लिए सबसे पहले गूगल बैकग्राउंड भी दिखा देता हूँ आपको, क्लियर और क्लियर, ऑल क्लियर है, एक बार चेक कर लें, क्लियर क्लियर ऑल क्लियर क्लियर। ओके फ्रेंड्स तो चलो स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड क्लियर हो गया, 1 2 3 स्टार्ट। गूगल, इसमें रहा है ओप्पो विनर, उसके बाद क्रोम, क्रोम में रहा है वीवो विनर, उसके बाद जीमेल, जीमेल में रहा है इसमें मेरे ख्याल से कोई मैसेज नहीं आया, देख लेते हैं। जीमेल में भी ओप्पो विनर रहा है, वीवो पीछे जा रहा है। और मैप में, मैप में लगभग दोनों सेम ही है, इसमें ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि इसमें मैंने एक बार भी नेट नहीं चलाया, तो लाइक में मैप में दोनों में लगभग सेम ही है, हल्का सा एक ओप्पो आगे गया था। बाकी आप कंपैरिजन में देख लेना, जब मैं कंपैरिजन करता हूँ थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। तो उसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब की बात की जाए तो दोनों लगभग सेम ही है, हल्का सा वीवो आगे आया था। उसके बाद प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में दोनों लगभग सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, एक पॉइंट आगे गया है वीवो। उसके बाद प्ले म्यूज़िक, गूगल प्ले म्यूज़िक दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद फेसबुक, फेसबुक में अगर देखा जाए तो वीवो आगे गया है। अगर इसके बाद क्लॉक की बात की जाए तो क्लॉक में वीवो और दोनों सेम ही है, मतलब इसका क्लॉक ऐसे खुला, ठीक है, मतलब कि वीवो आगे गया हल्का सा एक पॉइंट। उसके बाद कैलेंडर, कैलेंडर में वीवो आगे गया है। उसके बाद अगर बात की जाए कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर में दोनों सेम है, हल्का सा वीवो पीछे रहा था। उसके बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में भी दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, एक मैनर सा बन गया। उसके बाद आ गया गेमिंग, ये ऑफलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है कि नेट में कई बार कंपैरिजन करते करते नेट में मैसेज आते रहते ताड़ ताड़ ताड़, इसलिए नहीं मैं करता, अदरवाइज तो बढ़िया रहता है। गेमिंग टेस्ट मैंने दोनों के किए हुए, आप चेक कर सकते हो। और ये गेम आजकल बड़ी वायरल हो रही है, इसका गेमिंग टेस्ट इसका, मतलब कि दोनों की लगभग सेम ही है। वीवो ने हल्का सा पहले खोल दिया है, एक पॉइंट मिलता है वीवो को, वीवो विनर रहती है। उसके बाद सब्वे सफ़र, अब सब्वे सफ़र को हम रन करके देखेंगे, पूरा रन करेंगे, भगाएंगे। सब्वे सफ़र, अरे चल पड़ सब्वे सफ़र में रहा है अपना विनर वीवो, ओप्पो।
और टेम्पल रन में देखते हैं कौन विनर रहता है। वैसे दोनों में अपना खुद का गेमर लॉन्चर है, ठीक है, आप दोनों में चेक कर सकते हो, गेम लॉन्चर आपको मिलेगा। तो इसमें दोनों लगभग सेम ही चल रहे हैं, टचा दोनों पे टच टैप किया, उसके बाद दोनों पे टच टैप किया और दोनों लगभग सेम है। अगर टेम्पल रन में देखा जाए तो दोनों सेम है, कलर क्वालिटी की भी सेम देख सकते हो, दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा इंतर। चलो 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 हम बैक चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाती है डॉक्टर ड्राइविंग, अरे कट गया। उसके बाद डॉक्टर ड्राइविंग देख लेते हैं कौन पहले खोलता है कौन पहले नहीं खोलता। उसके बाद रन, अरे यार ये एप्लीकेशन से बड़ी दिक्कत रखती है ना, ये एप्लीकेशन होने में डॉक्टर ड्राइविंग से देखे मुझे इतना मैटर फर्क नहीं पड़ता, मगर मेन ऑनलाइन किया जाए तो पबजी का देखा जाएगा, पबजी देख लेंगे। तो डॉक्टर ड्राइविंग में लगभग सेम ही है, हल्का सा वीवो आगे गया है, बाकी आप चेक कर सकते हो वीडियो में ज़्यादा बढ़िया दिख जाता है, क्योंकि करते समय मेरा ध्यान आधा कैमरे की तरफ होता है, आधा इसकी तरफ, मैं दिखा देता हूँ कैसे करता हूँ। तो चेक कर सकते हो कि ये लगभग सेम है, और ये जल्दी जल्दी मैं एक बार फास्ट करता हूँ जिसके कारण मैं दोनों ध्यान नीचे रखूँगा, कैमरे में नहीं देखूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपने देखी लिया, अब हम एप्लीकेशन रेस कर लेते हैं बिल्कुल क्लियर करके, ये सारा क्लियर करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप एप्लीकेशन रेस। और टेस्ट में अगर देखा जाए तो लगभग दोनों के ही एप्लीकेशन, इसमें फास्ट खुली है कि इसमें खुली है, लगभग दोनों सेम ही रहे हैं। तो चलो अब एप्लीकेशन रेस टेस्ट, स्पीड टेस्ट करते हैं, जिसमें एक फ़ोन कोई और वर्क करेगा, एक मैं करूँगा, जिसमें ये सारी वीडियो जल्दी खोलती वो भी ना। चेक कर सकते हो कि बैकग्राउंड में बिल्कुल क्लियर है, इसकी क्लियर कर दी हमने, चेक करो क्लियर। तो एप्लीकेशन रेस टेस्ट करने के लिए स्टार्ट है, मेरा साथ दे रहे हैं विपन भैया, ठीक है, वो करेंगे वीवो वर्क करेंगे और मैं करेंगे ओप्पो। तो चलिए 1 2 3 स्टार्ट। तो इसमें देखेंगे कौन सी एप्लीकेशन सबसे पहले खुल के मतलब कि अपनी रेस कर देती है, जीमेल, मैप, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद प्ले स्टोर, उसके बाद गूगल म्यूजिक, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद क्लॉक, उसके बाद कैलेंडर, उसके बाद कैलकुलेटर, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद गेम्स। गेम देखते हैं कौन पहले खोलता है, गेमिंग में दोनों वर्जन के हैगे, दोनों के मतलब की हैगे हैं, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद सब्बे सफ़र, कोई बात नहीं चलने दो। तो फ्रेंड्स उधर सब गलती से वो खुल गई, वो अब बाद में सब्बे सफ़र खोल लेंगे। तो ये मेरी सब्बे सफ़र रन होगी, उनकी टेंपल रन होगी, अब वो सब्बे सफ़र करेंगे और मैं ये करूँगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि गेमिंग चल रही है धड़ाधड़, रन हो जा। तो ये रहा रन और डॉक्टर ड्राइविंग देखते हैं, ये बढ़िया डालती है यार, प्ले करने के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो डॉक्टर ड्राइविंग, और उसके बाद आ गया फाइल मैनेजर। लगभग फ्रेंड्स देखा जाए तो लगभग दोनों का सेम ही है, ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है। एक दो एप्लीकेशन जैसे मैंने पहले एप्लीकेशन का टेस्ट किया था तो उसमें भी कुछ एप्लीकेशन इसमें वर्क हो रही थी, कुछ एप्लीकेशन इसमें वर्क हो रही थी। अगर पॉइंट रेस के हिसाब से देखा जाए तो आप अपने हिसाब से जज कर लो कि कितने कितने आते हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा आधा ध्यान वीडियो में और आधा ध्यान फ़ोनों पर होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों इक्वली है, ठीक है। कंपैरिजन के मामले में देखा जाए तो इसको 9 पॉइंट मिले थे, अगर स्पीड के मामले में देखा जाए तो दोनों को लगभग सेम ही मिलते हैं, ठीक है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना जरूर। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। लगभग मैंने सारा टेस्ट कर दिया है, स्पीड टेस्ट के मामले में दोनों मुझे सेम लगे, कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं लगा। कुछ एप्लीकेशन इसमें वर्क कर रही थी, कुछ एप्लीकेशन इसमें वर्क कर रही थी, और लॉक खुल जा तो। और अगर देखा जाए लुक वाइज में आपको जो बढ़िया लगता है आप देख सकते हो, पर मुझे लुक वाइज ये अच्छा लगा थोड़ा, ये भी बढ़िया है पर यही अच्छा लगा मुझे, इसका ब्लैक कलर ऑसम लगता है, उसकी ना ये पट्टी है ना बढ़िया लगता है। और जिसको एप्पो पसंद है वो ओप्पो ले, जिसको वीवो पसंद है वो वीवो ले। अगर देखा जाए कंपेरिजन के मामले में इसको 10 पॉइंट मिले हैं, इसको 9 मिले हैं। और स्पीड टेस्ट के मामले में दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं स्पीड टेस्ट में। बाकी पबजी दोनों गेमिंग टेस्ट की हुई है, जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हो, दोनों के गेमिंग टेस्ट है, दोनों की स्पीड टेस्ट आ गई। काफ़ी जने ये कंपैरिजन देखना चाहते थे, मुझे कमेंट भी आए थे तो मैंने ओके बोला था, आज बुरा हो गया। तो फ्रेंड्स इसकी वीडियो मैंने कल ही दे देनी थी, पर मैंने ओप्पो के A5 2020 की वीडियो बनाई है, मैंने उसको भी सपोर्ट कर देना। तो फ्रेंड्स जाते जाते इन दोनों की डिटेल एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, लुक वाइज आप देख सकते हो, ठीक है। इसके एक एक्स्ट्रा बटन है जो कि गूगल असिस्टेंट का है, या जूवी का कह लो, या
बिग्सबी का कुछ भी कह लो। हाँ इसका एक ना शैंपियन शुम्पियन जैसा नाम है इसका, बाइन पता नहीं क्या है, इसके प्रोटेक्शन नहीं है, इस बार पहली बार प्रोटेक्शन आई है इसको, कोई अमेरिका की पता नहीं कहाँ की कंपनी ने दी हुई है। तो इसका जो गोरिल्ला 5/6 है बैक में 5 है, ठीक है, तो बस यही था। और इसमें बुक चार्जर इसमें नहीं है, बस कंपेरिजन तो मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है भाई फ्रेंड्स, जाते जाते मैं सारी डिटेल दे दूं। इसके फ्रंट कैमरा 2 है जो कि 32 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल है, इसका सिंगल कैमरा है 16 मेगापिक्सल, बैक में क्वाड है, दोनों में चार चार कैमरे हैं, दोनों के पहला जो मेन कैमरा दोनों के 48 मेगापिक्सल है, इसका मिलियन क्वाड मिलियन पता नहीं कैसे ऐसे नाम है पता नहीं, तो उसके बाद 48 मेगापिक्सल है। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल मिलेगा, इसमें 13 मेगापिक्सल मिलेगा और 2 मेगापिक्सल इसमें मिलेगा, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल कैमरे के मामले में ये आगे है। इसका कैमरा भी एक ज्यादा है और दूसरी बात की जो कैमरा एक्स्ट्रा जूम का वो भी ज्यादा है। और उसके बाद अगर बात की जाए इनके रैम की, रैम दोनों में सेम है, 8 मेमोरी के मामले में ये आगे है। इसकी 256 GB है, उसके बावजूद भी आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, 2 मेमोरी कार्ड 1 सिम, समझ गए, 1 मेमोरी कार्ड 2 सिम डाल सकते हो। अगर इसकी बात की जाए इसमें आप डाल सकते हो या तो 1 मेमोरी कार्ड डालो या 1 सिम डालो या फिर दोनों आप मेमोरी कार्ड डाल सिम डाल सकते हो, तो इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि इसकी 128 GB इंटरनल मेमोरी है, रैम दोनों की सेम है। अगर बैटरी की बात की जाए तो इसकी 4100 mAh की बैटरी है जो कि एक पॉइंट ज़्यादा है, 100 mAh की बैटरी बहुत काम करती है। और ये है 4000 mAh की बैटरी, इसमें बुक चार्जर मिल गया, इसमें 4100 अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही हो गए एक किस्म के। अगर आप इसमें पबजी खेल के मोबाइल चार्ज लगाते हो तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, अगर आप इसमें पबजी खेल के मोबाइल चार्ज लगाते हो तो जो चार्जिंग की स्पीड है वही रहेगी, कम नहीं होगी, बस यही बुक चार्जर का बेनिफिट होता है। और बात की जाए अब लास्ट में इनके बैक नीचे की, आपको दोनों में टाइप सी मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको नीचे हेडफोन जैक मिलेगा 3.5 mm का, इसमें आपको ऊपर मिलेगा और इसमें स्पीकर ग्रिल स्पीकर सारे सेम रहेंगे, ऊपर नॉइज़ कैंसिलिंग के लिए स्पीकर, नॉइज़ कैंसिलिंग के लिए इसके इसका भी स्पीकर है। और लुक वाइज आप देख सकते हो, बाकी मैंने सारी डिटेल बता दी। प्रोसेसर बता देता हूँ, इसका P90 है, इसका स्नैपड्रैगन 675 है, मैं 665 बोलने वाला था जो कि इनका नए फोन में आया है, नया फोन आने वाला ना इसका उसमें बढ़िया है। तो फ्रेंड्स सॉरी इसमें है 665 जो इनका आया है, 13000 का फोन है, 14000 का उसमें आया हुआ है। तो मैं कल वीडियो बनाई तो ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए माफ कर देना। आज के लिए इतना काफी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मुझे ओप्पो का ये कवर अच्छा लगा, गिर गया नीचे गिर गया, मुझे ओप्पो का ये कवर अच्छा लगा जो रबड़ वाला है, वीवो का ये कवर मुझे हार्ड लगा, बहुत हार्ड, क्योंकि उतारते समय दिक्कत हो रही है। बाकी कमेंट करके बता देना, लुक वाइज आप दोनों देख लो। अब स्क्रीन शॉट भी लेनी है, एप्लीकेशन भी, मतलब कि वो कंपेरिजन स्पीड टेस्ट ऐसे आते हैं फोटो। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। और रात को हम पबजी खेलते हैं नोट 10 प्लस पे, मज़ा आता है, उसके लिए मैंने ये ले लिया, पर मैं ये लगा के नहीं खेलता, मैं खेलता हूँ हेडफोन लगा के। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। स्विमिंग बाय मनी चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक इंस्टाग्राम सब कुछ है, कर दो शाजो, थैंक यू, लाइक कर देना। फ्रेंड्स ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, ये है टेक्निकल लवली मनी जो अभी आगे आने वाला है, ये है टेक्निकल लवली मनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह मैं वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू वॉच द वीडियो।